नमस्कार, आप देख रहे हैं टिप्स एंड टिप्स और इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू साइन, ऊर्जा क्षेत्र के विकास को मिलेगा बढ़ावा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और विकास में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। शिमला में बुधवार को प्रदेश सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच हुए एमओयू में राज्य सरकार की ओर से निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा और कंपनी की ओर से निदेशक संचालन पंकज कुमार गोस्वामी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह समझौता ज्ञापन राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के विकास को विशेष तौर पर बढ़ावा देगा और राज्य के ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता हिमाचल में सतत विकास को बढ़ावा देने और इसे देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों साझेदारों के मध्य ऊर्जा अभिसरण प्रदेश के विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगली जानकारी आपको जेबीटी भर्ती से जुड़ी देना चाहेंगे। बीएड अभ्यर्थियों को जेबीटी बैचवाइज भर्ती में शामिल न करने की मांग को लेकर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बुधवार को जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की अगुवाई में पुलिस ग्राउंड से उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा कार्यालय स्थित धर्मशाला तक रैली निकाली। रैली के बाद संघ के सदस्यों ने उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांग को नहीं माना जाता है तो शिमला में आमरण अनशन करेंगे तथा अपनी डिग्री डिप्लोमा सरकार को सौंपेंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि जेबीटी बैचवाइज भर्ती में एक व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता को लेकर निदेशक ने जो स्पष्टीकरण मांगा है, उसमें निदेशक ने एनसीटीई की 13 अक्टूबर 2021 और 28 जून 2018 की अधिसूचनाओं का वर्णन किया है, जो अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना को उच्च न्यायालय के फैसले तक स्थगित किया जाए। जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को पात्रता न दी जाए। जो नए तरीके से राज्य सरकार की ओर से भर्तियां की जानी है उनके नियमों पर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। गाइडलाइन आज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिससे प्रदेश का युवा वर्ग जो कि नौकरियों के इंतजार में है, दिन रात कमीशन का इंतजार कर रहा है, उस युवा वर्ग में हम यूं कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा रोष आज देखा गया। और इन्हीं भर्तियों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इसका सच क्या है और अब ये भर्तियां आने वाले समय में कब होगी और आखिरकार सरकार की ओर से कल जो भर्तियों को लेकर बैठक रखी गई थी सब कमेटी की, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को उस बैठक को स्थगित करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षक वर्ग जो कि पीटीए लेफ्ट आउट, यहां पर सरकारी स्कूलों में शिक्षक तैनात है और इन शिक्षकों के रेगुलराइजेशन को लेकर, अनुबंध कार्यकाल को लेकर और जो वित्तीय लाभ इन्हें दिए जाने थे वो काफी लंबे समय से यहां पर नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब इन शिक्षकों को लेकर जो है वो एक अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से लेफ्ट आउट पीटीए शिक्षकों को बड़ी राहत जो है वो इसमें दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण से छूटे 1368 पीटीए शिक्षकों को राहत देते हुए सरकार की विशेष अनुमति याचिका को इसमें खारिज कर दिया है और हाईकोर्ट ने 3 जनवरी 2008 से पहले नियुक्त पीटीए अध्यापकों को वर्ष 2018 से नियमित करने के आदेश जो है वो इसमें जारी किए थे और प्रदेश हाईकोर्ट ने लेफ्ट आउट पीटीए शिक्षकों की याचिका को स्वीकारते हुए उन्हें 1 अप्रैल 2018 से नियमित करने के आदेश दिए थे और इन आदेशों को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें हाईकोर्ट के निर्णय में दखल लेने का कोई आधार नहीं मिला, इसीलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। यानी कि पीटीए लेफ्ट आउट के ऐसे शिक्षक जिन्हें जो रेगुलराइजेशन से छूट चुके थे, अब उन शिक्षकों को ये एक बड़ी राहत दी है। उन सभी शिक्षकों को राज्य सरकार को अनुबंध में लाना होगा और उन्हें सारे रेगुलराइजेशन के जो बेनिफिट है वो यहां पर देने होंगे। और प्रार्थी शिक्षकों के अनुसार शुरू में वे अन्य पीटीए अध्यापकों की तरह ग्रांट इन एड आधार पर लगे थे। वर्ष 2014-15 में सरकार ने कुछ शिक्षकों को अनुबंध में लाया और 1 अप्रैल 2018 से नियमित भी कर दिया, परंतु उन्हें छोड़ दिया गया। और हाईकोर्ट में सरकार का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेशों के कारण प्रार्थियों को नियमितीकरण का जो लाभ है वो नहीं दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से फैसला पीटीए शिक्षकों के हक में आने के बाद उन्हें भी 20 अगस्त 2020 से नियमित कर दिया गया। और शिक्षा विभाग का कहना था कि अन्य शिक्षक जो 2014-15 में कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए थे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रेगुलराइजेशन पॉलिसी का लाभ देते हुए 1 अप्रैल 2018 से नियमित किया गया और कोर्ट ने सरकार के इस रवैये को मनमाना और भेदभावपूर्ण मानते हुए सभी लेफ्ट आउट पीटीए शिक्षकों को वर्ष 2018 से नियमितीकरण का लाभ देने के जो आदेश है वो पारित किए थे। और यहां पर आपको बता दें तो साल 2015 में नौकरी में गैप पीरियड और दस्तावेजों के शिक्षा निदेशालय में देरी से पहुंचने के चलते जो है वो 1368 ऐसे पीटीए शिक्षक अनुबंध पर आने से यहां पर छूट गए थे और इस दौरान सरकार ने करीब 5100 पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट में पंकज कुमार बनाम स्टेट केस विचाराधीन होने के चलते ये शिक्षक अनुबंध पर आने से छूट गए थे। और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के जो आदेश है वो दिए थे और 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने पीटीए शिक्षकों के हक
हक में फैसला दिया था, जिसके बाद लेफ्ट आउट पीटीए शिक्षक 2020 से ही नियमित किए गए, जबकि उनकी तरह उनके साथी शिक्षक वर्ष 2018 से नियमितीकरण का लाभ इसमें ले रहे थे। तो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि जो पीटीए शिक्षक जिन्हें 2018 से बेनिफिट मिलना था, 1368 ऐसे शिक्षक है, इन सभी शिक्षकों को भी जो बाकी पीटीए शिक्षक है उन्हीं की तर्ज पर 2018 से रेगुलराइजेशन का बेनिफिट यहां पर दिया जाए। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के तमाम ऐसे बेरोजगार युवा जो समय इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार उनकी भर्तियों को लेकर क्या आगे करने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश के ऐसे शिक्षकों की जो कि नए तरीके से इन शिक्षकों की भर्तियां होने वाली है कि किस तरह से जो है वो ये गाइडलाइन जो शिक्षा विभाग की ओर से बनाई गई थी उस गाइडलाइन को शिक्षा अधिकारियों ने ही या फिर हम क्या कहें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे शिक्षा विभाग से ही ये गाइडलाइन जो है वो लीक हो गई, सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल हो गई कि लोगों ने यह सोचा कि ये अंतिम रूल होंगे और यही गाइडलाइन जो है वो नए शिक्षक भर्ती के लिए अडॉप्ट होगी। लेकिन यहां पर आपको यह समझना होगा कि अभी तक जो है वो शिक्षा विभाग ने ये प्रपोजल सरकार के लिए बनाया था, क्योंकि कल सब कमेटी की बैठक होनी थी और इस सब कमेटी की बैठक में इन सभी गाइडलाइंस को एक अंतिम प्रारूप और प्रेजेंटेशन जो है वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा मंत्रियों को दी जानी थी। लेकिन जिस तरह से आज ये गाइडलाइन वायरल हो गई, उसके बाद जो है वो सब कमेटी की बैठक को भी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये अगली बैठक जो सब कमेटी की है भर्तियों को लेकर चुनाव के बाद होगी और अब नए तरीके से जो है वो इसमें ड्राफ्ट बनाया जा रहा है और ये हालांकि ड्राफ्ट ऐसा ही होगा लेकिन उसमें कुछ एक चीजें जो है वो जरूर बदली जा सकती है। स्थायी शिक्षकों को लेकर हालांकि इसके लिए जो नाम है वो फिक्स शिक्षक दिया गया है, फिक्स सैलरी के आधार पर शिक्षक भर्ती इसे नाम दिया गया है। फाइनेंस से आज हमने पता करने का प्रयास किया तो हालांकि फाइनेंस विभाग की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि इस तरह की भर्तियों को लेकर जो अगर सरकार अप्रूवल दे देती है तो फाइनेंस करेगी, अदरवाइज जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की भर्तियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्तियां या स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत जो है वो भर्तियां यहां पर नहीं की जा सकती है। लेकिन यहां पर आप देखिए तो इन भर्तियों को लेकर जो पत्र सामने आया था उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई थी। इसमें सैलरी को लेकर भी कहा गया था कि कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों को जो वेतन दिया जाता है वही वेतन जो है वो अस्थायी शिक्षकों को दिया जाएगा। तो अभी तक सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि उनका प्रपोजल यही है कि यहां पर जो भी अस्थायी तौर पर शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में, तो उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल के आधार पर जो एक वेतन निर्धारित किया जाता है वही वेतन दिया जाएगा। टोटल जो है वो 3104 है जिसका प्रपोजल जो है वो शिक्षा विभाग ने बनाया है कि इन शिक्षकों की भर्तियां हमें स्कूलों में करनी होगी, तभी हम जो है वो शिक्षकों की कमी को दूर कर सकेंगे। लेकिन इसमें आप देखिए ड्रॉइंग मास्टर का एक बड़ा मुद्दा जो है वो प्रदेश में लगातार बनता जा रहा है। बेरोजगार कला संघ जो है वो सरकार से लगातार जो है वो इस मांग को लेकर यहां पर शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जो है वो मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने स्कूलों में 100 बच्चों की जो शर्त यहां पर लगाई है उस शर्त को ड्रॉइंग मास्टर के लिए और इसी के साथ ड्रॉइंग मास्टर के लिए जो है वो इसे बंद किया जाए। लेकिन यहां पर अगर आप देखें इस प्रपोजल के मुताबिक तो इसमें साफ तौर पर सरकार की ओर से ये कहा गया है कि अस्थायी तौर पर भी ड्रॉइंग मास्टर्स की भर्ती उसी आधार पर होगी, उसी शर्त पर होगी। अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे तैनात है, 100 बच्चों की संख्या है, तो तभी ड्रॉइंग मास्टर की जो भर्तियां हैं वो स्कूलों में की जाएगी। तो एक ये जरूर चिंता का विषय है क्योंकि इसी शर्त को हटाने की जो मांग है वो ड्रॉइंग मास्टर कर रहे थे। कमीशन के तहत भी जो कमीशन और बैचवाइज के तहत जो भर्तियां ड्रॉइंग मास्टर की होनी है उसमें भी ये टीचर यही लगातार सरकार से कह रहे थे कि 100 बच्चों की जो शर्त है उसे हटाया जाए क्योंकि ड्रॉइंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को समझना और उन्हें सीखना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल यहां पर अस्थायी तौर पर होने वाली शिक्षकों की भर्ती में भी 100 बच्चों की जो शर्त है वो ड्रॉइंग मास्टर के लिए इसमें रखी गई है। तो एक ये जरूर चिंता का विषय है।